यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। इस दौरान सीएम योगी ने अपने बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट के साथ ही विधायी कार्य जो कि लंबित है वो पूरे होंगे। मेरी सभी से अपील है कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश में वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं बल्कि विपक्ष की भी उतनी ही है जितनी कि सत्ता पक्ष की है। विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले हर प्रश्न का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर सवालों का जवाब देगी, किसी भी सवालों से बचना नहीं चाहती है। विपक्ष के सवालों से ही लोकतंत्र मजबूत होगा, जनता के सवालों से सरकार भाग रही है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगी। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है, इस अवसर पर विधानमंडल की इस कार्रवाई में भाग लेने के लिए आने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। भारत छोड़ो भ्रष्टाचार, भारत छोड़ो परिवारवाद, भारत छोड़ो जो हमें प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, इसे तुष्टिकरण के सर सामने ठीक है कोई सर देश की प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गए। उत्तर प्रदेश के दो सदन में से एक सदन में कांग्रेस है ही नहीं, दूसरे सदन में दो सदस्य बचे हैं और लोकसभा में उत्तर प्रदेश से एक ही सदस्य है। 2024 में वहाँ एक बचेगा कि नहीं बचेगा